Sorry, I'm quite strong, but. साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू टीवी पर पहली बार मेहुल चौकसी. बहुत बड़ा खुलासा. जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा किया है एबीपी न्यूज ने. वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब आपको एबीपी न्यूज दिखाएगा उस शख्स का जिसने देश को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया और भागकर एक छोटे से देश में छिप गया. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी की. और यही है वो मेहुल चौकसी जिस तक पहुंचा है एबीपी न्यूज. चौकसी जिसे कभी डायमंड किंग कहा जाता था, वो चौकसी अब तक भगोड़ा बन चुका है और इस भगोड़े को ढूंढ निकाला है आपके चैनल एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव एडिटर शीला रावल और वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कापड़ी ने. कैरेबियाई देश एंटीगा में छिपकर बैठे मेहुल चौकसी से शीला रावल ने पीएनबी घोटाले से जुड़े तीखे सवाल पूछे हैं. देखिए, वो मुंबई के हीरा बाजार के किंग कहलाते थे. बॉलीवुड के सितारे, राजनेता और विदेशी सेलिब्रिटी उनके इर्द गिर्द रहती थी. लेकिन अब भारत की एक दर्जन से ज्यादा जांच एजेंसी उनके पीछे लगी है. उन पे आरोप है पंजाब नेशनल बैंक के 7,000 करोड़ से भी ज्यादा डुबाने का फर्जी LOU के जरिए. हमारे साथ है मेहुल चौकसी. मेहुल भाई, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है. आपके एक्सट्रेडिशन की भारत पूरी तैयारी कर रहा है, जोर लगा रहा है, आपका क्या कहना है उस पर? ये सब जो हो रहा है लास्ट 2 महीने से पूरा फोकस मेरे पे शिफ्ट हो गया है. ओनली फॉर द रीज़न दैट आई एम इन अ स्मॉलर कंट्री एंड प्रॉब्ली सॉफ्ट टारगेट कंपेयर टू अदर्स इन अ बिगर कंट्री. इट्स अ वॉट एवर यू हैव बीन सीइंग इज़ अ बिग पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आई वुड से. देर इज़ अ टू मच प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू ब्रिंग समवन एंड देर इज अ सो दिस आई बिकम अ सॉफ्ट टारगेट फॉर दैम. If I tell you about this, ये पूरा fraud की जो बात है या fraud or scam, there was no fraud or no scam did by my company at all. It was rather a fraudulent complaint. There were complacency in the bank. पूरे reporting system में, bank के reporting system में बहुत complacency थी. अभी तो report बाहर आ गया है CBI का कि you know probably बहुत बड़ी संख्या में लोगों उसमें जवाबदार गिना जा सकते थे शायद. और जो भी मैंने पढ़ा है कि 5-7 साल में शायद बहुत बड़ी संख्या में बैंक के कर्मचारी और उसमें इन्वॉल्व हो जाते, तो बैंक ने ये पूरा अपने आप पे लेने की जगह पे उन्होंने हमें स्केपगोट बना दिया. सबसे पहले इन लोगों ने तो एक कंप्लेंट किया ऑन द 29th of January वेयर How come my name was involved? I was shocked and surprised. आप कहाँ थे तब? मैं I was in USA at that time. I was going through a medical treatment there. और जब भी ये complaint आई तभी उन्होंने सब raids चालू कर दी. Something very unprecedented is what has happened. कि तीसरे दिन को तो उन्होंने सब raids चालू कर दी without investigating anything. मैं अंदर partner हूँ या नहीं वो भी उनको मालूम नहीं है. और जब भी मैंने बैंक का ऑफिसर को फ़ोन किया कि मेरा नाम क्यों दिया गया, तो ये जब नीरव मोदी पे सारी कार्रवाई शुरू हुई जी, उसके साथ आपका नाम आया. वो कंपनियों में मैं पार्टनर हूँ. हाँ. ऐसे करके उन्होंने मेरे एक कंप्लेंट डाली. ये तो हुआ था 29 जनवरी. मैं पार्टनर आई वॉज पार्टनर इन वन ऑफ द कंपनी इन 1998 और मैं 2000 में रिटायर हो गया. मैंने फ़ोन उठा के बैंक के ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारा KYC 1993 का या 1995 का बोल रहा है कि जिसमें आप पार्टनर थे, सो दैट इज़ वाई वी पुट योर नेम. ओके, दिस वॉज अ कन्वर्सेशन विथ. ठीक, तो मैं जो समझी हुई है आपसे मैं दोबारा पूछ रही हूँ. आपने कहा कि डायमंड्स आर अस, उसमें आप पार्टनर थे 98 से 2000 तक जी. और 2000 के बाद में 2000 के बाद हमारा कोई बिजनेस रिलेशन, आई वेंट आउट ऑफ द कंपनी.
एंड आई हैव नो रिलेशन बिजनेस रिलेशनशिप विद दैट कंपनी एट ऑल. ठीक, तो वो पेपर पे नहीं था? पेपर पे था, एब्सोल्युटली. आई एम सरप्राइज्ड, बट दिस इज कॉम्प्लिसेंसी. व्हेन आई टॉक अबाउट द बैंक, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लिसेंसी द बैंक मस्ट हैव गॉन इनटू. उसके सिवा उन्होंने रेड्स चालू कर दी. और मेहुल भाई 18 साल, जी 2000 से 2018, जी 18 साल तक अगर आप उस कंपनी में पार्टनर नहीं थे तो आप बैंक के कागज पे फिर भी पार्टनर थे? जी, ये उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि हमारे KYC फॉर्म में आपका नाम था, दैट्स वाई वी पुट योर नेम. तो उसके बाद मैं तो बारगांव था, तो मैंने फ़ोन उठा के SEBI को इन्फॉर्म किया. आई इन्फॉर्म CBI ऑल्सो. दिस वॉज ऑन 7th or 8th of February. बट तब तक हमारे वहाँ बहुत सारी रेड पड़ गई थी, पैनिक चालू हो गया था. और उसके बाद उन्होंने सब इतनी हैवी रेड्स लगाई, मीन्स इनकम टैक्स, ED एंड CBI टुगेदर, दे स्टॉप्ड ऑल ओवर अकाउंट्स. PNB रिपोर्टेड देर वॉज अ फ्रॉड, दैट आई वॉज इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड, एंड दे पुल बैक ऑल माई फैसिलिटीज. मेरी सब जो तीन कंपनियाँ जो बोली जाती है वो तीनों कंपनी की PNB में अकाउंट्स, PNB वॉज जी गीतांजलि जिलियो नक्षत्र नक्षत्र, और PNB वॉज वन ऑफ माई मेजर फिनांसर. तो उन्होंने पूरी फैसिलिटी पुल बैक की जी. तो मैंने फ़ोन उठा के PNB के ऑफिसर को मैंने कागज़ लिखा कि भाई लेट अस रिजॉल्व द मैटर, लेट अस अंडरस्टैंड, बिकॉज ये फॉल्स कंप्लेंट था और अचानक ऐसे फैसिलिटी वापस मांग लेना, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दे वर्चुअली स्टॉप माई कंपनी. दे उन्होंने हमारे सब बैंक अकाउंट्स बंद हो गए, हमारी सब इन्वेंटरी 13, 14, 15 के बीच में बहुत सारी इन्वेंटरी ले ली, आदमियों में पैनिक घूम गया. 13, 14 फरवरी की बात कर रहे हैं ना? 13, 14 फरवरी हमारा सर्वर बंद किया गया एंड द कंपनी केम टू अ स्टॉल. इट वॉज शॉक. आई वॉज अंडर मेडिकल सर्जरी, आई वॉज हैविंग माई कार्डियक प्रोसीजर गोइंग ऑन इन ऑन. मैं यहाँ से गया था ओनली फॉर माई मेडिकल ट्रीटमेंट. आई वॉज ट्रैवलिंग विथ हॉलीडेज इन द फर्स्ट वीक. व्हेन आई अराइव्ड इन न्यूयॉर्क, मुझे कुछ श्वास की तकलीफें हुई तो मुझे बहुत सारे चेकअप होने लगे थे. तो बीच में चेकअप के बीच में कुछ टाइम मिला तो मैं यहाँ एंटीगुआ में आया था और मैंने ओथ ले ली. ये मेरा एंटीगुआ का पासपोर्ट जो मैंने अप्लाई किया था वो एक साल पहले किया था, इन लास्ट फेब्रुआरी और मार्च. और बेसिकली आई वॉन्टेड टू एक्सपैंड माई बिजनेस of Samuels in Antigua, in the Caribbean countries. Mm-hmm. And that was the simple reason that I had got an Antiguan passport. और सबसे ज़्यादा क्या था कि मेरे पास पासपोर्ट की बहुत बड़ी थप्पियाँ चलती थी वीज़ाज लेने के लिए, और अट्रैक्टिव थिंग था कि इसे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकता था Antiguan पासपोर्ट. सो दैट वॉज द ओनली रीज़न कि मुझे Antigua का पासपोर्ट लकीली लिया था तभी, जो मुझे आज फ़ायदाकारक हो रहा है. आपने बताया कि शायद आपकी वीजा US की खत्म हो गई थी, फिर जब आप नागरिक बन गए एंटीगुआ के तो एंटीगुआ आ गए. सी देखिए, जो भी कुछ हुआ है बहुत अनलॉफुल और कम्प्लीटली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट हुआ है. ऐसा अनप्रेसिडेंट केस क्या हो गया कि इन लोगों ने रेड जो गन चला दी वो वापस ले नहीं सकते हैं. तो उन्होंने बाद में सब सीजर और सब करने के बाद, मेरी पूरी कंपनी बंद कर देने के बाद, उन्होंने बाद में मुझे दूसरी FIR सर्व कर दी, क्योंकि जो गन एक दफ़ा छूट गई है, इतना बड़ा माहौल बना गया है, तो अभी वो वापस कैसे ले. मैं तो खाली मेरी कंपनी के बारे में बात करूँगा. तो उन्होंने एक दूसरी FIR डाला मेरे ऊपर, और बाद में तो बस बेसिकली नाउ. पर मेहुल भाई, आपके साथ ऐसा क्यों? कभी मुझे याद है कि आप BJP के बड़े नेताओं के साथ दिखे थे, आप हीरा बाजार को एक्सपैंड करने की बात हो रही थी, और वैसे में अगर अचानक ऐसा एक्शन हुआ तो आपको क्या लगता है आपकी गलती कहाँ हुई? मेरी गलती खाली एक ही थी कि मैं एक महीना आई वॉज नॉट ऑपरेटिव, आई वॉज इन अ हॉस्पिटल एंड देन ऑन अ बेड रेस्ट फॉर वॉट एवर फॉर माई सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी. और मेरी फैमिली को ये सब से मुझे दूर रखना था. सो वो एक महीना में इसको, और तभी भी बहुत लेट हो गया था क्योंकि मैं 15 फरवरी को मेरे ऊपर कार्डियक प्रोसीजर हुई, तो ऑलरेडी इट वॉज टू लेट. बाय देन द कंपनी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड दैट टाइम. एंड ये कुछ यू नो गवर्नमेंट ट्राइड टू सेव द बैंक
at the cost of one of the leading company of India. आपको आप जो बोल रहे हैं कि कितानली वॉज वन ऑफ द लीडर जस्ट बिकॉज इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल मैटर एंड एक पार्टी कह रही है कि भी बैंक ने इतना बड़ा नुकसान किया ये किया वो किया तो ये फ्रॉडस्टर भाग रहे हैं तो बेसिकली आई बिकम अ सॉफ्ट टारगेट इन द होल प्रोसेस पर जो मेरी मुझे आपकी बात से समझ में आया मेहुल भाई की ये कि जब नीरव मोदी की कुछ कंपनियों पे पीएनबी ने कार्रवाई करी जी और उस एक कंपनी में आपका नाम होने की वजह से ये सारी कार्रवाई आप पे होने लगी जी, 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 जी। पर कहीं ना कहीं ये तो है ना कि आप नीरव मोदी आप नहीं तो नीरव मोदी तो इस सारी चीज में जिम्मेदार है या कहीं उनसे गलती हो गई है आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीबडी एल्स बट एक चीज मैं कह सकता हूँ एज फार एज माई केस इज कंसर्न कि वॉट एवर आई हैव लर्नड आई एम नॉट अ फिनांस पर्सन एज सच बट वॉट एवर आई हैव लर्नड There were a lot of complacency in the bank itself. हमारे पास पहले भी एक साल डेढ़ एक साल से दो साल से दूसरी भी कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन PNB बैंक की थी कि जिन्हों उन्होंने फाइल करनी थी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के लगते हुए तो उन्होंने RBI में फाइल नहीं किया था वो हिसाब से मेरे पास इंक्वायरी आई थी और हमारी कंपनी को कॉशन लिस्ट पे जो पेमेंट आती है पेमेंट जाती है दे हैव टू अलाइन विद द रिजर्व बैंक विच दे डिडंट अलाइन इट्स नॉट ओनली PNB मैनी अदर बैंक्स आर नॉट फंक्शनल इन दिस मैटर आप समझिए कि बैंक के अंदर कम से कम एक साल के अंदर 25 से 30 ऑडिट होते हैं जी इतना साल से मैं काम कर रहा हूँ मेरी पेमेंट जाती है पेमेंट आती है ये होता है तो कोई भी चीज डिटेक्ट नहीं होती अभी तक आप आई एम सरप्राइज देर आर सो मेनी पीपल वर्किंग रिपोर्टिंग सिस्टम है इतनी बड़ी पर आरोप ये भी है मेहुल भाई के बैंक के कुछ कर्मचारी की वजह से ये सारा कांड हुआ है ये घोटाला हो पाया है जो मुझे मानने में नहीं आ सकता है कि ऐसा कभी हो सकता है इन द बैंकिंग सिस्टम ईडी CBI दोनों ने आप पे अभी चार्जशीट लगा दी है और जिसमें 420C फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप है 50 साल से कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हो और अचानक एक साल के अंदर ये सब अभी तो ये पॉलिटिकल प्रेशर है कि कहाँ से मुझे लाना है तो अभी मेरे ऊपर हर रोज के अभी जो मैंने सुना है कि मोर एजेंसीज आर टोल्ड टू पुट अ क्रिमिनल कंप्लेंट्स अगेंस्ट मी इट इज़ नेवर हैपन इन इंडिया कि प्रॉब्ली 15 से 17 एजेंसियाँ मेरा पीछा कर रहे हैं मैं कोई जवाब देने के मेरा सर्वर आज 15 फरवरी से बंद है तो मेरे कोई भी आदमी क्या रिपोर्ट कर सकेगा कोई भी चीज़ रिपोर्ट ही करने के लायक नहीं है कोई भी आदमी कहाँ भी वहाँ पे रिपोर्ट करने के लायक ही नहीं कोई भी मटेरियल के क्रिमिनल केस बनाने के लायक नहीं है सो बेसिकली इट इज़ ऑल वॉट एवर इज हैपनिंग इट्स नथिंग एल्स बट वेरी अनजस्टफुल एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स कम्प्लीटली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट मेहुल भाई आपने कहा कि आपको चुनाव आ रहा है इसलिए आपको सॉफ्ट टारगेट बनाया और छोटे से देश में आप हैं तो छोटे से देश से आपको एक्सट्राडाइट किया जा सकता है वैसे संभावना है ऐसा क्यों करेगा आपके साथ कोई बेसिकली शायद जो मैं समझाऊं कि ये चुनाव में जो बैंक के डिफॉल्टर है उनमें से किसी एक को नहीं लाया जाएगा तो शायद चुनाव इधर से इधर हो सकता है देखिए I have a highest respect for my Prime Minister or the government too. शायद ये बहुत लाखों करोड़ों लोगों की अच्छाई के लिए हो कि वो एक एक को कहाँ बॉम्बे में लावे बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में लावे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू प्लीज आज एवरीबडी टू गो बैक टू दिते वॉज आई अ डिफॉल्टर आई वॉज नेवर अ डिफॉल्टर ये डिफॉल्ट आपने मेरी कंपनी बंद होने से क्या डिफॉल्ट नहीं होगा तो क्या होएगा अगर आप मेरा माल जब्त कर लेंगे अगर मेरा बैंक अकाउंट जब्त कर लेंगे अगर मेरी कंपनी बंद हो जाएगी मेरे कोई वर्कर काम नहीं करते होंगे तो डिफॉल्ट नहीं होगा तो क्या होएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोगों ने रिपोर्ट किया कि डिफॉल्ट हुआ है ये डिफॉल्ट हुआ ही नहीं था तब तक सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ रॉन्ग कंप्लेंट विच वॉज मेड The entire complaint was rather a wrong complaint. और अभी एक दफ़ा गन छूट गई है मशीनरी ये दिशा में जा चुकी है इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड
अगर ये आप केस जीत जाते हैं भारत सरकार के खिलाफ एंटीगुआ में, क्योंकि अभी आप एंटीगुआ के नागरिक हैं, आपको पता है कि आप भारत कभी वापस नहीं आ पाएंगे? सी आई ट्रस्ट गॉड, आई ट्रस्ट डेमोक्रेसी, आई ट्रस्ट दैट एट द एंड ऑफ द डे मुझे न्याय मिलेगा और अच्छी तरह से न्याय मिलेगा। और हमने मैंने सपने में भी ऐसा कोई ख़राब काम किया नहीं है कि मुझे ये सज़ा जो मिली है वो करेक्ट है। सो मुझे विश्वास है कि जैसे खराब दिन आए हैं ऐसे अच्छे दिन भी आएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने मुझे कहा कि आप मुंबई में मुझे मिलती तो मेरे पास समय नहीं था, पर कल मैंने जब आपसे पूछा कि आप मुझे कब मिलेंगे तो आपने मुझे कहा कि मेरे पास समय ही समय है। ये जो जीवन में आपका परिवर्तन आया उसको आप कैसे कोप कर रहे हैं? आप एंटीगुआ में अब क्या कर रहे हैं? आई गो थ्रू माई मेडिकल ट्रीटमेंट, थोड़ा सा मैं लॉयर्स के साथ बिताता हूँ और बाकी तो ऐसे ही। ये बहुत बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारे लोग हैं, तो समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ काम करूँगा, ऐसी ख्वाहिश है। इसी देश से वेल आई वॉन्ट टू बी फ्री बर्ड, देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो किसी को भी कहाँ भी ट्रैवल करना, कोई भी चीज़ करना, वो तो किसी की भी ह्यूमन राइट है। सो आई एम श्योर दैट इट विल रिमेन विद मी। कुछ बोलना चाहेंगे अभी आप? सॉरी, मेरा इमोशनल निकाल देना जो भी है वो। मेहुल भाई प्लीज, सबसे ज्यादा दुख आपको किस बात का हो रहा है? आप मुंबई को मिस करते हैं? Sorry, I'm quite strong, but शायद आपका मन हल्का हो जाए। मेहुल भाई, आप भारत को, मुंबई को मिस करते हैं? कौन कौन नहीं करेगा। मैंने मेरी सारी जिंदगी यहाँ निकाली है। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अनजस्ट हुआ है। 6,000 एम्प्लॉयज़ को शायद उनकी जो भी ग्रेचुइटी और जो नहीं मिली है उसके लिए मैं सरकार को प्रार्थना करूँगा कि पैसे मेरे खाते में पड़े हैं इतना ये काम कर दे। मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए मांग रहा हूँ। और पर्टिकुलरली मैंने कुछ 5 साल से मेहनत करके 500-600 चैलेंज डिसेबिलिटी के साथ लोगों को मैंने भर्ती किया था और एक सपना था कि ये लोगों को टर्न ओवर करके दूसरी फैक्ट्री में मैं प्लेस करता जाऊँगा, उन लोगों के पीछे ख्याल रखे, उनको सूरत में या कहाँ पे बुला के उनको काम दिया जावे और एटलीस्ट इन लोगों की ग्रेचुइटी को एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये मैं चैलेंज लोग जो आपने ट्रेन किया, ये मैं इतनी प्रार्थना करूँगा। ऑफकोर्स आई वुड रिक्वेस्ट फॉर माई एंटायर पीपल हु हैव सर्व्ड फॉर दिस कंपनी एंड इन टर्न टू द कंट्री, मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को उनका वो सुखी रहे एंड दे शुड गेट देयर ड्यूज प्रॉपरली। एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जो देश की जांच एजेंसियों को रुला रहा है वो एबीपी न्यूज पर रो रहा है।
सॉरी आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू टीवी पर पहली बार मेहुल चौकसी बहुत बड़ा खुलासा गुड मॉर्निंग प्रेजेंट